हमारे यहाँ एक गणना करने वाला एक ब्राह्मण जो पत्रा लिखता है काशी में बैठ करके, वो बता देगा 100 साल बाद प्रयागराज में कुंभ कब मेला लगेगा। और सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दूर से देखने में तो सूर्य ग्रह हमारे पास चमकता है, रात में मुझे चंदा मामा भी दिखते हैं। कि बता सकते थे कि ये व्यक्ति आगे चल करके इस कुंडली का जातक, इस कुंडली का धारक व्यक्ति आगे चल करके क्या बनने वाला है। कहते हैं किताबें एक इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं। किताबें इंसानों को एक दूसरी ही दुनिया से जोड़ती हैं। यूपी के लखनऊ में भी गोमती पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन में पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों की अच्छी खासी तादाद में उपस्थिति देखी गई। वहीं यहां महोत्सव के आखिरी दिन यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की। उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी दिखाई दिए। उन्होंने लेखक अरविंद पंत की किताब ज्योतिष मंथन का विमोचन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मौके पर लेखक को बधाई दी और साथ ही मंच से ज्योतिष विज्ञान के महत्व को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ब्राह्मण ये भी बता सकते हैं कि 100 साल बाद कुंभ का मेला कब लगेगा। हमारे यहाँ एक गणना करने वाला एक ब्राह्मण जो पत्रा लिखता है काशी में बैठ करके, वो बता देगा 100 साल बाद प्रयागराज में कुंभ कब मेला लगेगा। हमारे जो नवग्रह है जिनसे दुनिया संचालित होती है, और सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दूर से देखने में तो सूर्य ग्रह हमारे पास चमकता है, रात में मुझे चंदा मामा भी दिखते हैं और विभिन्न तारे भी दिखते हैं। लेकिन खास तौर पर जो नवग्रह है, जैसे जैसे पूरे मंडल में घूमते हैं जो पीछे लोग बटन को, तो उनका पास और नजदीक आना, एक दूसरे तारों के पास जाना, धरती के पास जाना, सूर्य के पास जाना, कहीं न कहीं उसके दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभाव हम सब जातकों पर पड़ते हैं। हमारा लग्न किस जन्म किस लग्न में हुआ है, हमारे मूलांक में क्या है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। उसकी गणना हमारे पूर्वजों ने पहले से कर रखी है, और गणना कभी कभी इतनी प्रभावी होती थी कि बता सकते थे कि ये व्यक्ति आगे चल करके इस कुंडली का जातक, इस कुंडली का धारक व्यक्ति आगे चल करके क्या बनने वाला है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट कर लिखा कि अरविंद पंत की किताब ज्योतिष मंथन के लॉन्च पर पहुंचकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। ये किताब उनकी 30 वर्ष की तपस्या और मेहनत का परिणाम है। ये किताब सिर्फ साइंस और एस्ट्रोलॉजी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और चिंतन की भी झलक दिखाती है। अरविंद पंत की इस किताब के विमोचन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शहजाद पूनावाला के साथ डॉक्टर आनंद वर्धन द्विवेदी और डॉक्टर अमिता दुबे भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।